देख रहे हैं सीतामढ़ी लाइव। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के देश भर में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कल सीतामढ़ी में भी विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन हुआ। सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं। हमारे साथ इस वक्त भाजपा के मीडिया प्रभारी है आग्ने जी। सबसे पहले तो ये बताइए आप आग्ने जी कि आप लोग जो कानून लाए हैं, जो अब बिल के बाद कानून बन चुका है, इसको लेकर के जो विपक्ष अपने दावे कर रहे हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, क्या उनको आप दूर करने में नाकाम रहे हैं? सबसे पहले राहुल आठ जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। आपने इस कार्यक्रम के लिए, जो संपूर्ण देश का एक अभी ज्वलंत मुद्दा है, इसके लिए आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूँ। संपूर्ण देश में जो नागरिकता बिल की जो बात आ रही है, जिसको कि CAB और CAA और NRC, ये तीनों को समझने की ज़रूरत है। सरकार ने जो नियम लगाए है, उसमें केवल एक शब्द जुड़ा हुआ है, गैर मुस्लिम लोगों को यहाँ नागरिकता मिलेगी। मुस्लिम लोग, उसमें भी नियम है कि जो लोग बांग्लादेशी है, जो अफगानिस्तानी है और जो पाकिस्तानी है, उन लोगों को नागरिकता बिल के अंतर्गत कुछ को छांटा गया है, जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी तक सरकार ने जो भी निर्णय लिया है, ये देश हित के लिए ही लिया है। लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो मुस्लिम, जिनको चिंताएं हैं कि उनकी नागरिकता चली जाएंगी, इस बात को लेकर के मुस्लिम लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी सरकार उनको समझाने में नाकाम रही है कहीं ना कहीं, तभी तो वो विरोध कर रहे हैं? थोड़ा सा इसमें मैं आपको पीछे ले चलूँगा। मोहम्मद अली जिन्ना साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बीच जो देश का बंटवारा का जो विषय था, वो उसमें स्पष्ट था कि धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर मांग किया गया था पाकिस्तान का। और 1947 का 14 अगस्त 1947 का वह काला दिन जब भारत का विभाजन हुआ था, वह मजहबी दीवार थी। आज वहाँ अगर हमारे हिंदू भाई, जो उस समय 10% थे, आज 3% हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं से 7% या तो उनको प्रताड़ित किया गया है, या धर्म परिवर्तन कराया गया है, उनकी बच्चियों के साथ गलत कार्य किए गए हैं, परिवार को डिस्टर्ब किया। वैसे लोग अगर मेरे हिंदुस्तान में आए हैं, तो मैं अपने भाई को गले लगाता हूँ। लेकिन बांग्लादेश या अफगानिस्तान या पाकिस्तान के माध्यम से जो मुस्लिम भाई यहाँ आए हैं, उनको हम लोग अभी, चूँकि आने के बाद भी वो राजनीतिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक वोट की बात हो रही है, और उसे कुछ न कुछ सुरक्षा के कारणों से वो दिक्कत हो रही है, तो इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, व्यवस्था के दृष्टिकोण से, वैसे मैं आपको बताऊँ कि मेरा देश सर्वे भवन्तु सुखिना के सिद्धांत पर चलता है, वसुधैव कुटुंबकम के काम पर चलता है। हम सबको सम्मान करते हैं, लेकिन देश की नागरिकता का सवाल होगा तो इसके लिए हम पहले अपने आप को, अपने भाइयों को जो विदेश में भी रह रहे हैं, मेरे भाई जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन ये तो फिर नाइंसाफी उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान को छोड़ करके भारत को चुना था। जो लोग पाकिस्तान, तो उस समय इच्छा की बात थी, जो लोग पाकिस्तान जाना चाहे, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो लोग चले गए। हिंदू खुद अपनी मर्जी से पाकिस्तान में चले गए। अब आप उनको 70 साल बाद फिर वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो ये नाइंसाफी नहीं है कि जो लोग उस समय वहाँ चले गए हिंदू, तो आप उनको वापस ले रहे हैं, और जो यहाँ रह गए वो यहीं रह गए, अब आप उनको फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है राहुल जी, ये अस्पष्ट मुद्दा है कि ये जो अधिनियम जो अभी लगाया गया है, असम में जो NRC नियम लगा था, सिर्फ असम की बात कर रहा हूँ, तो असम में पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहाँ जो स्थितियाँ बनी थी, वहाँ सरकारी भवनों को जलाया जा रहा था, आपस में विवाद था, बहुत तरह की बातें थी, घटना थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि एक पहचान का एक कैटेगोरी बनाइए, और उस आधार पर केवल असम में, भारत का पहला राज्य केवल असम, जहाँ NRC बिल लागू हुआ है, और माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि संपूर्ण देश में इसको लागू करेंगे। बौखलाहट का यहाँ सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम भाई यहाँ रह रहे हैं, उनका पूरा चीज़, सब कुछ उनके पास है, उनका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, उनका जन्म प्रमाण पत्र बन चुका है, उनका सब कुछ है। लेकिन जो अन्य देश से आ रहे हैं, केवल एक शब्द हम बोल रहे हैं कि गैर मुस्लिम जितने भी हैं, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कहीं हमारे भाई जो प्रताड़ित हो रहे हैं पाकिस्तान या अन्य जगह, इस बात पे विपक्ष का तर्क ये है कि आप संविधान में ही जब ये लिखा गया है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष होगा, धर्म के आधार पर कोई अभेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष का ऐसा आरोप है आप लोगों पर,
तो वो लोग ऐसा कह रहे हैं, तो इसको आप कैसे अपना तर्क देकर के इसको आप शांत करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि विपक्ष तो मुस्लिम लोगों को साथ लेकर के सड़क पर उतर चुका है, पब्लिक प्रॉपर्टी कचरा हो रहा है, तो ऐसे में तो आप सरकार के प्रवक्ता। राहुल जी, आपका यह यक्ष प्रश्न बहुत ही अच्छा है। धर्म निरपेक्ष, क्या धर्म सिखाता है हिंसा करना? क्या धर्म सिखाता है कि प्रदर्शन में किसी की हत्या कर देना? क्या धर्म सिखाता है कि कोई आम आदमी जा रहा उसकी गाड़ी में आग लगा देना? क्या यह धर्म सिखाता है कि जो अन्य जो भी दुकानदार हैं उनको लूट लेना? कौन सा धर्म, कौन सा मजहब सिखाता है इसको? अगर यह धर्म के आधार पर की बात होगी तो गलत है। यहाँ तो धर्म की बात ही नहीं है, यहाँ तो बात यह है कि जो मुस्लिम भाई, यहाँ अभी एक संशोधन हुआ है, मैं आपको उसकी जानकारी देना चाहता हूँ। जो CAA और CAB की बात जो कर रहे हैं, जिसको अभी बातचीत चल रही है, पहले 11 वर्ष किया गया था, उसको सुधार करके 6 वर्ष किया गया है, लेटेस्ट न्यूज है। जी बिल्कुल। जो यहाँ रह रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई, वो भी मेरे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये कहते नहीं हैं, ये देश की परंपरा है, ये संस्कृति है। लेकिन जो आर्यावर्त है, जिस आर्यावर्त में हम सब लोग हैं, इसमें सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव है, सब सुखी हो। लेकिन सुखी हो तो मतलब कि देखिए सर, मुझे विजयी नहीं बनना, लेकिन मुझे अजेय बनना है। अजेय का मतलब कोई मुझे पराजित न करे, विजयी का मतलब मैं दूसरे को विजयी करूं। तो विजयी होना भारत का स्वभाव नहीं है, अजेय होना भारत का स्वभाव। तो क्या लगता है इसका समाधान कैसे होगा? समाधान सरकार अपने जिद पे अड़ी हुई है कि हम इसे वापस नहीं लेंगे। कई बार अमित शाह जी ने भी कहा है कि हम इस कानून को अब वापस नहीं लेंगे, और विपक्ष जो है वो इस कानून को वापस लेने की मांग पे अड़ा है, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? मैं सभी भाइयों से, आपके माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष को, और यूं कहूं कि विश्व को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि भारत की एकता और अखंडता चारों के मिलन से बन। सर मैं तो कहता हूं कि मुस्लिम भाइयों को चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो लोग यहां हैं आज़ादी के समय से आज तक हैं, सब कुछ उनके पास है, सारे प्रमाण पत्र है, सब कुछ है। मैं आपको एक बात और गुमराह होने वाली बता दूँ, लोगों ने यह प्रचार किया कि ये प्रमाण पत्र लगेगा, लेकिन सरकार ने अभी कोई दिशा निर्देश ही नहीं दिया है। अभी तो नियम लगाया है कि 6 वर्ष से रह रहे हैं उनको क्या करना है, 11 वर्ष से रह रहे हैं उनको क्या करना है, जो यहाँ आ चुके हैं तीनों देश से उनको क्या करना है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। यहाँ रह रहे हैं चारों किसी भी मजहब, मैं एक हिंदू मुसलमान की बात भी नहीं करूंगा, कोई भी धर्म के लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बाहर से आए हैं उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि तो सरकार चिन्हित करेगी। तो फिर सरकार ठीक है, उन लोगों को चिन्हित करेगी, लेकिन जो आज सड़क पे उतर रहे हैं, जो सड़क पे इतनी भीड़ लग रही है, जो मुस्लिम है, मुस्लिम संगठन के लोग जो है, वो तो फिर इसी देश के हैं, वो लोग क्यों आखिर सड़क पे हैं? इसका जवाब तो फिर आखिर जरूर सरकार को। मैं एक उदाहरण दूंगा, अगर केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाई अमित शाह जी की सरकार है, गृहमंत्री है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम आता है। यूपी में कल की जो घटना हुई है उसकी निंदा की गई है, जो वीडियो कैमरे लगे हैं उसे चिन्हित करने का प्रयास किया गया है, उसके ऊपर जो कुछ भी खर्च है, जो वहन है, जो सरकारी तंत्रों का नुकसान है, जो पुलिस को जो डंडा चलाया गया है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत ना हो तो निरंकुश सत्ता बनती है। विपक्ष को प्रदर्शन करना चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन इस प्रकार का समर्थन नहीं करता हूँ कि हिंसात्मक हो। लेकिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार होगी उस राज्य में विपक्ष को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? नहीं, जिस राज्य में भी भाजपा की सरकार है वहाँ पे विपक्ष को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको मैं अभी बता दूं कि यूपी के DGP ने धारा 144 लागू कर दिया था, जिस कारण वहाँ पे लोग जमा नहीं हो पाए थे प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन बिहार में कल प्रदर्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपकी साझा सरकार है और नीतीश कुमार जी ने बोल दिया कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है राहुल जी, देश की राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति, कोई भी राजनीति देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। आप जानते होंगे कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राज्य और राज्य से राष्ट्र बनता है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में एकात्मवाद कहते हैं, एक आत्मा हम में और आप में है। लेकिन यहाँ मैं आपको सीधी बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ जितने लोग रह रहे हैं, आज़ादी से पूर्व के, आज़ादी के बाद के, उससे मतलब भी नहीं है, जो देश के हैं वो यहाँ हैं,
और उनका सब कुछ है। आपको पता होगा कि गांव में जो बाहर के लोग भी आ जाते हैं तो कहते हैं भाई ये 10 साल से रह गए, इनको भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दीजिए। तो अब तो ये हो रहा है कि या तो मान लीजिए किसी के पास कोई समझ, जैसे जो जो भिकमंगा है, जो अन्य लाचार है, जो गरीब हैं, उनके पास हो सकता है, जो घुमंतरु हो, हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के पास मे भी वहाँ तक सरकार की नज़र गई हो या ना गई हो, तो वैसे लोग भी वहाँ के जो सामाजिक संरचना है, जो प्रशासनिक संरचना है, उसमें उसको मौका दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल, क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम वोटर आपसे नाराज़ हो चुके हैं, बीजेपी से नाराज़ हो चुके हैं? क्योंकि आज जिस तरह से वो सड़कों पर है, उस तरह से देख के तो यही लग रहा है कि वो इस बार चुनाव में आपको वोट नहीं देंगे। सर, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो ऐसे में सरकार की सारी योजना गरीबों के लिए गई थी, और गरीब भारतीय कोई भी किसी भी जाति धर्म से वंचित नहीं है, सबके लिए सरकार कार्य कर रही है, और वोट मिलेगा और फिर मिलेगा, आप चिंता न करें। मैं एक बार फिर बोलूँगा कि भारत की संस्कृति विजयी होने की संस्कृति नहीं है, भारत की संस्कृति अजेय होने की संस्कृति है। मुझे कोई जीते नहीं, ये मेरी भावना है, इसलिए मैं सशक्त रहता हूँ, मजबूत रहता हूँ। सरकार भी यही सोच रही है कि मुझे सशक्त और मजबूत बनना है और देश में शांति और अस्थिरता कायम करना है। कोई नाराजगी कहीं से नहीं है, थोड़ी देर की नाराजगी है, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत तो ये थे भाजपा के प्रवक्ता अग्नि कुमार जी, जो CA के पक्ष में अपने तर्क रख रहे थे। आप देख रहे हैं सीतामढ़ी लाइव। धन्यवाद।